गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद प्रोफेसर नाथन। कलमिटी इज द टचस्टोन ऑफ ब्रेव माइंड। टुडेस वोकैबुलरी इन वोकैबुलरी सीरीज विल बी फ्रॉम स्टार्टिंग टुडे संडे। सैल्यूब्रस। सैल्यूब्रस मींस प्लीजेंट, क्लीन, हेल्दी। सिनोनिम इज हेल्दी एंड टोनिम इज अनहेल्दी। लेट्स यूज सैल्यूब्रस इन अ सेंटेंस। देयर वर मेनी ईटिंग सैल्यूब्रस एस्टैब्लिशमेंट्स। टुडेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वैक्यूस। वैक्यूस मींस absence of thought and intellectual. Today's phrasal verb to improve English is hither and thither. Let's use phrasal verb in a sentence. Hither and thither. He is in the habit of putting his goods hither and thither. Means he puts his goods everywhere. I will tell you one biggest mistake we commit or we understand in English, which is difference. We have so much confusion upon me and I difference. Means what is the difference between I and me? So I will tell you, I is the subject, means it starts, we put it in a starting of sentence. I, it is the subject, and me is the object, but both the meaning is that main or mujhe. So let's use this in a sentence so it will be clear. Ek example dekhte hain. So they are going to send my wife and I package. Yahan pe ye I ka correct use nahi hai, इट इज इनकरेक्ट देयर। तो आई का यूज कैसे होता है जब मी में हम यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे मी में। सो दे आर गोइंग टू सेंड मी अ पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा आई नहीं लगता है, ज्यादातर मी लगता है जब आप लास्ट में यूज करते हो एज अ ऑब्जेक्ट, बट आई स्टार्टिंग में लगता है। आई कैन ईट, आई कैन रन। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड आई। टूडे स्पोर्ट वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वन कन्फ्यूजन इज क्लियर। थैंक यू सो मच।